सीएलसी ने जो मेरे ड्रीम्स बनाया ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आप किसी भी कंपनी का ना इंटरव्यू या कुछ भी दिला लो, मैं भी फाइट कर लूँगा। मुझे इतना कॉन्फिडेंट है अपनी एल्गोरिथम और वो सब मैथ से होता है जो उन्होंने सर ने बताया मुझे। थैंक यू बॉस फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड आज मैंने उन सभी लोगों को यहाँ बुलाया है जो मैं मतलब स्क्रैच लेवल से आज यहाँ तक हूँ, तो प्लीज़ मैं एक एक का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे। जो 8th क्लास तक पढ़ा हूँ मैं, यहाँ पे पास में सरकारी स्कूल है वहाँ तक मैंने 8th क्लास तक पढ़ा है। 8th के बाद में 12th मैंने ब्राइट मून सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़े, उनके डायरेक्टर सर यहाँ पे आए, मैंने आज सबको इन्वाइट किया है। एंड बाद में मैंने जैसे सरकारी स्कूल में पास, यहाँ सरकारी स्कूल था, मैं अच्छे से पढ़ाई करता था, जाता था। एंड बाद में जयपुर मूव होना हुआ हमारा, तो हम लोग जयपुर चले गए। बाद में हम 8th क्लास से जयपुर में एडमिशन लिया, मैंने वहाँ स्टडी स्टार्ट की अपनी। तो वहाँ पे बाबूलाल जी सर मिले मुझे, उनके लिए एक बार तालियां, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया सबके लिए। तो हम लोग वहाँ पे 8th क्लास से जैसे मैं था तो उनके संपर्क में मैं बहुत पहले 8th क्लास से अच्छे से रहा। एंड मैंने 12th जैसे ही पास आउट किया तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसे मतलब CLC है तो उनको ऐसे कोचिंग वगैरह में एडमिशन लो, तो ऐसे IIT और वगैरह होता है, IIT NIIT। मुझे इनफैक्ट पता भी नहीं था क्या IITs होती है, क्या NIITs होती है, क्या ब्रांच होती है, कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने बाबूलाल जी सर ने बोला और मैंने वहाँ पे गया, मैं एडमिशन लिया। अंकल जी का बहुत सपोर्ट रहा जो पीछे थे, अंकल जी बहुत तालियां उनके लिए एक बार। और देखो ये हमारे वो अंकल जी हैं जिनके छोरे भाई जी आज अपने काम करते हैं, सलूट बनते हैं ऐसे परिवारों को यार। जैसे ही मैं CLC में एडमिशन लेने गया तो मैं बॉस से मतलब बहुत डरता था, मैंने नाम सुना था आपका, मैं जानता नहीं था आपको एक्चुअल में क्या है, बाद में बताऊंगा। तो मैं ऐसे एडमिशन लेने गया, मेरी बात हुई सर से, बाबूलाल सर से मैं कांटेक्ट करता रहता था इनसे, तो मैं मेरा 10 साल पुराना या 15 साल पुराना कॉन्टैक्ट जो भी है मैं इनसे बात किया। तो फिर मैंने बॉस से बात की कि सर ऐसे है मुझे ना एडमिशन लेना है और मुझे कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं कि IIT में छोड़ जाऊँगा या NIT, सर को याद नहीं है लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। तो सर ने बोला तू एक बार एडमिशन ले, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने अपना एडमिशन ले लिया और मैं पास में ही रहता था वहाँ पे, तो मैं ऐसे कोचिंग जाता था, ऐसे टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, मैंने टेस्ट वगैरह पूरा प्रॉपरली दिया। एंड मुझे कभी ऐसा, मैं बाय चांस जो बैच सफलिंग होता है उसमें मैं एक दिन बीमार हो गया था तो मैं टेस्ट नहीं दे पाया था, तो मैं पीछे वाले बैच में मूव कर गया था। तो मैं बॉस से मिला जाके कि बॉस मुझे ना उस बैच में जाना है, मुझे लगता है उसी बैच में अच्छी पढ़ाई होती है। तो बॉस ने बोला कि एक बार तू पढ़ गया तो देख, उस बैच में जाके देखना टीचर कैसे हैं। तो मैं वहाँ पे गया, तो मैं उस बैच में पढ़ा और उस बैच में इतने अच्छे मार्क्स किया कि मुझे सफल करना पड़ा, मैं आगे वाले बैच में गया फिर। और फिर जब एग्ज़ाम दिया मैंने तो रिजल्ट आया तो NIT मेघालय मिला मुझे, जो मैं कभी नहीं चाहता था कि मुझे नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाना भी पड़े। लेकिन मैंने जब चॉइस फील किया था तो मैंने ऐसे लगा दिया था ऊपर वारंगल जो अच्छी अच्छी NITs वगैरह है, NIT मेघालय मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि NIT मेघालय भी कुछ NITs वगैरह है, हाँ उस पर भी नीचे लगा दिया मैंने ऐसे ही। बाद में वो आया, रिजल्ट आया, फर्स्ट अलॉट हुआ कि NIT मेघालय में आपको CSC मिला है। तो मैं श्योर था कि जाऊँगा NIT, तो जाऊँगा ही चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मेरे लिए वो बेस्ट था, मैं NIT तो जाऊँगा। तो फिर ऐसे 5 राउंड चलते हैं, ऐसे लास्ट में NIT मेघालय रह गया। अब हाँ जी, घर पे सब लोग परेशान कि नॉर्थ ईस्ट एरिया वहाँ जाना सब लोगों के लिए कितना कठिन रहा होगा, लेकिन मैंने बोला मुझे NIT जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने साइट खोला, प्लेसमेंट वगैरह जो देखते हैं आजकल के बच्चे बहुत मॉडर्न हो गए, मैंने देखा प्लेसमेंट तो हाईएस्ट था 10 लाख समथिंग, एवरेज था वहाँ का। तो मैं बोला कि 10 लाख समथिंग है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि वहाँ मैं जाऊँगा तो प्रॉपरली कुछ ज़्यादा ही कर पाऊँगा, और ऐसा भी होता है NIT प्लेसमेंट मिले ज़रूरी नहीं है। सही है। तो मैं वहाँ गया तो मैं ऐसे बोला घर वालों को कैसे भी करके बोला कि ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि 10 लाख ही हो, मैं भी तो उसको कुछ कर सकता हूँ ना, मेरा भी तो नाम आ सकता है, मैं दूसरे लोगों को देख के क्यों जाऊँ कि वो लोग ही मेरे लिए प्रेरणा बने, मैं भी तो बन सकता हूँ। ये मेन बात होती है, तो मैं भी तो बन सकता हूँ। तो मैं वहाँ गया एंड जैसे मैंने एडमिशन लिया तो मेरा वहाँ देख के नेचर्स, क्योंकि सारे बैम्बू और हॉस्टल है वहाँ पे, अपने जैसे घर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बैम्बू, तो मैं बोला कैसे ही रहूँगा, अंकल जी गए थे मेरे को छोड़ने के लिए, इन्होंने बोला रहना है तो रह वरना चल साथ में चल। तो मैं बोला कि ये तो भाई चले जाऊँगा ना तो मुझे ये फिर आगे कुछ, क्योंकि मेरे चांस ख़त्म हो चुके थे, मैं अब सोच रहा था कि नहीं मुझे करना है। तो मैं वहाँ पे कर रहा था, एक साल बीत गया। और एक बात बताऊँगा, मेरे दोस्त के पास है, मेरा दोस्त है आसाम का है, उसके बुआ जी के लड़के का उसके पास कॉल आया कि वो NIT ग्रेजुएशन टाइम ही था कि मुझे ना सिक्कर में कोचिंग जाना है। मैं बोला यार तू सिक्कर, नॉर्थ ईस्ट में सिक्कर को कैसे जानता है यार,
तू और कहीं जा सकता है? नहीं, बोला है पता नहीं उसके कुछ रिलेटिव्स रहे होंगे, बोले सीएलसी में जाना है और मुझे वहाँ एडमिशन लेना है, एंड मुझे वहाँ पे एडमिशन लेना है। मैं बोला तू सीएलसी जाना चाहता है सही में? मैंने कॉन्टेक्ट किया बाबूलाल सर को कि ऐसा आसाम का है और वो सेल से आना चाहता है। एक तो मैं जॉब करने के लिए वहाँ, मतलब जो भी ट्रेनिंग रहा हूँ मैं वहाँ नहीं जा सकता, वो पढ़ने के लिए आ सकता है। तो आप सीएलसी को सब लोग जानते होंगे क्या है सीएलसी, अब मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आसाम से सीएलसी पढ़ने, आसाम का लड़का कोचिंग करने के लिए सीएलसी आ रहा है। कोचिंग देखो ना, पूरा रूट ही चेंज हो गया। फिर मैंने उसको 2.5 किलोमीटर मैंने बोला कि तू है ना, तू पक्का जा, मैं तो तुझे गाइड करूँगा, मैं तुझे इवन बॉस के नंबर भी शेयर कर देता हूँ। उसके बाद में मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो आया होगा श्योर, इतना पता है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था उस टाइम। तो फिर जैसे मैंने अपना कर दिया, तो अभी फिर मैं तो 2 मिनट सीएलसी के लिए लेना चाहूँगा क्योंकि सीएलसी ने ना, मैं सीएलसी ने जो मेरे ड्रीम्स बनाए ना, मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि हमारे कोडिंग चलती है बॉस, आप सबको लोग, क्योंकि मोस्टली लोग नहीं जानते कोडिंग, और कोडिंग होता है लॉजिक मैथ का, और वो है ना आपको स्क्रेच लेवल से आ सकता है, वहाँ पे इतना बिल्डअप नहीं हो सकता है कभी भी। तो क्या है कि जैसे मैथ के टीचर थे ना सीएलसी में, उन लोगों, जो भी मैथ में सर जिन्होंने मुझे पढ़ाया उनको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मेरा कोडिंग स्किल है ना अभी इतना अच्छा है कि मुझे आप किसी भी कंपनी का है ना इंटरव्यू या कुछ भी दिला लो, मैं भी फाइट कर लूँगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंट है अपनी एल्गोरिथम और वो सब मैथ से होता है जो उन्होंने सर ने बताया मुझे। एंड और भी कुछ बोलना चाहूँगा सर के लिए, जो सर किसी बोलते नहीं है खुद से, लेकिन मैं बोलूँगा 2 मिनट के लिए। जब मैं कोचिंग वगैरह जाता था तो टेस्ट सीरीज, इवन टेस्ट सीरीज होता है, तो मैंने सर को खुद टेस्ट सीरीज देते हुए देखा है, खुद मेरे हाथों से देखा है मैंने टेस्ट सीरीज। एक डायरेक्टर होते हो उसको क्या प्रॉब्लम है भाई, तुमको टेस्ट सीरीज देगा, इतने सारे एम्प्लॉय रखे हैं उन्होंने टेस्ट सीरीज देने के लिए। लेकिन सर वहाँ पे टेस्ट सीरीज देते थे ना, मुझे लगता था भाई ऐसा, मतलब ठीक है हो सकते हैं लोग कैसे भी हों, लेकिन इतना मतलब जो कर जाए ना वो सही में देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो प्लीज़ सर के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां प्लीज़। एंड उन्होंने ना मुझे, मतलब इवन मैं बॉस से बहुत बार मिला हूँ सप्लिंग वगैरह के लिए, और बॉस ने मुझे है ना हमेशा ही मोटिवेट किया है, इसलिए मैं NIT मेघालय में गया और यहाँ पे हूँ। और इसके पीछे बाबूलाल सर का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 8th क्लास से उन लोगों ने मुझे बहुत ही गाइड किया, इनके लिए भी तालियाँ। और मैं अभी थोड़ी अपनी जर्नी बता देता हूँ प्लेसमेंट वगैरह से रिलेटेड। जैसे मैं पहले था कि मैंने IIT बॉम्बे में इंटर्न किया है, जहाँ पे 4000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से मात्र 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें मेरा 3rd पोजीशन था। तो मैं वहाँ पे इंटर्न करके IIT बॉम्बे से, फिर उसके बाद में मैं अमेजन में इंटर्न किया, वहाँ मुझे PPO मिला 18 लाख का, मैं सफिशियंट था, मैं खुश था भाई, 18 लाख मेरे लिए बहुत है, मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। और मैं किसी को पहले से बोलता नहीं हूँ कि मैं भाई ये कर लिया हूँ मेरा, मैं किसी को इवन घर पे भी नहीं बोला मैंने अमेजन का टेस्ट दे दिया है, क्योंकि घर पे बोलूँगा बाई चांस नहीं हुआ ना इनके तो फेस सेट हो जाना है। तो मैं किसी को बोलता नहीं था, मैं करता था और फिर बोलता था मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया भाई। इसी फिर ऐसे मैंने टावर रिसर्च जो कैपिटल दिल्ली इंडिया में है वहाँ पे दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, 36 लाख का था। क्या बात है। एंड फिर मैंने एप्पल का, जैसे आप ये भी जानते होंगे एप्पल ऐसे रिक्रूट नहीं करते हैं किसी NIT से, मोस्टली IIIT हैदराबाद अपना कॉलेज है इंडिया में, वहीं से वो रिक्रूट करते हैं। तो मैंने ऐसे, मुझे ऐसा पता चला था कि एप्पल रिक्रूट नहीं करना, तो मैं सोचा एक चांस तो बनता है, मैं एक ट्राई तो कर सकता हूँ एटलीस्ट। मैंने रेफरल किया जो अपने हैदराबाद का एक लड़का है, वो 5 साल से वहाँ पे काम कर रहा है, उसके लिए जोरदार तालियां, नाम अनाउंस नहीं करूँगा अदरवाइज उसके पास लिस्ट लग जाएगी। तो उन्होंने मुझे इतना रेफरल दिया, और बाय चांस उनके पास जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं CV सिलेक्टेड होते हैं, ऑटोमेटिकली होते हैं कि वो स्किल्स देखते हैं, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता है, नहीं होता तो नहीं होता है। मुझे रात को 12 बजे मैसेज आया कि आपका CV शॉर्टलिस्ट हो गया। क्या बात है। तो मैं घर पे किसी को नहीं बताया, इवन सबको नहीं पता है, मैं दूसरे दिन ही अपने जयपुर के लिए रवाना हो गया। मैं बोला वहाँ जाके मैं तैयारी जो भी 1-2 दिन है मैं इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रिपेयर कर लेता हूँ, और मैं इनको ये नहीं बताया, मैं बोला कि मैं वहीं जाऊँगा और थोड़ा प्रिपेयर करूँगा। तो मैं वहाँ गया, एंड मेरा फर्स्ट राउंड था कोडिंग राउंड, जो अपने इंडिया के भी मैनेजर लोग हैं उनके साथ था, और 2 फॉरेनर थे बाहर के उनके साथ था। लगा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, टोटल 7 राउंड थे, फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 5th में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि HR राउंड होता है उसमें थोड़ा वो मैनेजरियल टाइप क्वेश्चंस होते हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी चेक करते हैं, तो मुझे थोड़ा ऐसे इरिटेट होने लगता है इनसे, मुझे नहीं लग रहा था श्योर अपना हो जाएगा। राउंड सारे क्लियर हो गए, उन्होंने बोला कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको रिवर्ट बैक आएगा, 1 या 2 दिन में होता है तो बता देते हैं, अदरवाइज जो भी कमी रहती है वो 7 डेज बाद में इन्फॉर्म करते हैं कि आपका ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था।
मैं दो दिन से सही में मैं सोया नहीं हूँ बिल्कुल भी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं उस मेल के चक्कर में दो दिन से बिल्कुल नहीं सोया हूँ। मैं डेली अपने ईमेल को रिफ्रेश ही करता रहता था कि शायद कब आए कब आए। 2:44 मैसेज आया, इवन व्हाट्सएप कॉल भी आया उन मैम का, क्योंकि वो थोड़ा प्रॉब्लम चलता है बाहर के लिए, तो वो व्हाट्सएप कॉल किया कि कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर सेलेक्टेड फॉर SD1 जो भी था। मैं बोला थैंक यू, मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है। मैं शौक हो गया एक मिनट से कि सही में मेरा हुआ है, तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि मेरा हुआ है। फिर उन्होंने बताया, उन्होंने मेल किया, सब डिटेल्स आई दूसरे दिन, तब मैंने सबको जाके बताया कि मैं एप्पल में हो गया है मेरा। देन फिर मैंने सब लोगों को इन्फॉर्म किया कि मैं अभी एप्पल में हूँ, अभी एप्पल में काम कर रहा हूँ। इवन मैं बताना चाहूँगा कि अभी मेरा जो भी पोस्ट है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एप्पल स्मार्ट वॉच में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जो अभी लास्ट 6 मंथ से मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए। थैंक यू पुत्र। देखो दोस्तों, ये होता है एक